रोज़ की तरह शाम को ऑफिस खत्म करके सारे दोस्त अपने चाह वाले अड्डे से एंड 6:30 बजे इकट्ठे हो गए। गल्लां बातें चलिया तो एक दोस्त ने अचानक ही कह दिता, यार कल तो परसों ऑफिस तो छुट्टी है, क्यों ना आप अज रात को कैंपिंग कर चलीए। ऑफिस के काम ने शरीरक दिमागी दोनों तरह थका रखा सी। हाँ यार चलो चलते हैं, मैं तैयार हाँ, इस बहाने आप सबनों ब्रेक मिल जाओ, नाले थोड़ा माहौल फ्रैश हो जाऊ। सब दोस्त 5 मिनट के अंदर अंदर एक फैसले पर पहुँच गए तो 7:30 बजे गड्डी चुक पहाड़ों वल चल। कैंपिंग लई चुनी थान सारी 25 मिनट की दूरी उत्ते सी, सो वह सब कुछ टाइम चो ही कैंपिंग वाली जगह पहुँच गए। उत्थे पहुँच के जो टेंट लगा रहे सी ता एक खूंजे चो गूढ़े हरे रंग दे कुछ झाड़ी नुमा छोटे छोटे बूटे खड़े सी। बूटे भी खादे असल चो देखण नूं आए लगता जिवें गंढियां दीआं थोड़ियां पतलियां भूकां होण। उन्हां बूटियां नूं देखदे हो एक दोस्त रोक गया ते दूजा बोलिया, यार पट परा इन्हां नूं वाधू घा ही आ। पर पहले दोस्तां मन ना मन्निया ते उसने थोड़ा जिहा पासे करदे हो टेंट दा एक खूंजा गढ़ दिता। उन्हां हरे बूटियां नूं बिल्कुल ना छेड़िया। देर रात तक दोस्त गल्लां बातां करते रहे, खाते पीते रहे तो फिर सौं गए। लगभग रात को 3 बजे बहुत तेज़ मीह शुरू हो गया। मीह के नाल बहुत तेज़ हनेरी चलन लगी। उन्हां दोस्तों का टेंट भी हनेरी नाल उड़ रहा सी। मौसम के बिगड़ अनुसार सारे उठ के बैठ गए तो दिन चढ़न का इंतजार कर लगे। उन्हां दा टेंट भी चौण लग पिया। मीह हनेरी काली बोली रात देख एक दोस्त बोलिया, इन्नी भयानक रात तो इन्नी भयानक कैंपिंग जिंदगी जो पहली बार देखी है। आज जिहड़े ने कैंपिंग का आइडिया दिता ना, पहला तो उन्हें लम्मा पाओ। सारे दोस्त हसन लग पे। इंज ही गल्लां बातें करते करते दिन चढ़ गया। जदों दिन चढ़िया तो मौसम भी साफ हो चुकिया सी। सारे दोस्त टेंट चों बाहर आए तो चारे पासे देख के हैरान हो गए। उच्ची उच्ची रुख जिन्हां ते रात नूं हरे पीले पत्ते सी, हुण उन्हां दीआं सिर्फ टाहणियां बाकी सी। कुछ गिणती दे पत्ते छड़ के सब पत्ते रात चढ़ गए सी। असल चों पतझड़ दा मौसम होण करके कई पत्ते तो पहला ही कमजोर हो के डिग रहे सी। बाकी रेंदे खुंदे रात वाले तूफान ने उड़ा दिते। रात जड़ी थां बहुत सोहनी लग रही सी, हुण उहदी देख बिल्कुल बदल चुकी सी। तुहानूं उत्थे सुंदरता दे नाम ते कुछ भी दिल खिचवा नहीं सी बचिया। सारे दोस्त रात दे तूफान नाल होए उजाड़े दीआं गल्लां कर रहे सी। उस दोस्त दी निगाह रात वाले हरे बूटियां ते पई, जिसने उन्हां नूं रात पटिया नहीं सी। उसने देखिया हरे रंग दे दिसण वाले झाड़ी रूपी बूटियां उत्ते बहुत सोहने फुल खड़े हुए सन। उसने उस वक्त अपने दोस्तों को उन्हां बूटियां वल देखण लई कहा ते बूटे दिखाउंदे होए बोलन लगा, जिसनों आपां कदे कदे वाधू बेलोड़ा समझ लैंदे हाँ, कई बार अपना सही समां आउण ते उही चारे पासे दी सुंदरता नूं वधा दिंदा। नाले इस वक्त दो चीज़ां साडे सामने ने, एक पासे तूफान दा उजाड़ा ते दूजे पासे इन्हां फुल्लां दी खूबसूरती। फिर क्यों ना माड़ी तो ध्यान पट के जो चंगा सामने आ उस उत्ते ध्यान लैके जाइए। लिखत जगमी सिंह टूर, आवाज़ जाशी ना। फिर मिलदे हां नवी कहानी दे नाल, नवी गलबात दे नाल। तद तक लई रब राखा।